उड़ गया है। नमस्ते स्मिता बढ़िया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज स्मिता, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। विशु का भी स्वागत करते हैं। स्वागत है आपको। मामा चलो, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। हमने मिलके काम किया ना, मिलके काम कर रहे हैं तो इसीलिए हमारा सब काम हो रहा है। तो हम नीचे जा रहे हैं अभी खाना खाएंगे ना। अब तो हम सूजी खा लेंगे, मस्त वाली सूजी रिश्वर में। होगा नाश्ता बाहर से आया है, इडली और इधर बड़े हैं। मैं पहले इडली खाऊंगी। बड़े मुझे जिस दुकान से बड़े आए हैं मुझे उसी का बड़े अच्छे नहीं लगते। जो हमारे घर के सामने जो बड़े हैं तो वो वाले बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सांभर चटनी मैंने दोनों को मिला के ली है, दो खाती हूँ उसके बाद और भी खाऊंगी, बहुत ज़्यादा खा लूँगी। इडली खा रहा है, वो इडली खा के इतना खुश है कि इडली खाऊंगा मतलब क्या बताऊं। मैं सबसे ऊपर वाला फ्लोर आ गए, यहाँ पे थोड़ा बैटिंग बॉल खेलेंगे। रिशु फीलिंग बोर्ड तो हमें उसको यहाँ पे घुमाने लेके आई हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाला रूम है, तो बहुत सारी चीज है यहाँ पे लेकिन रहने के लिए कोई लोग नहीं है। तो हम बस घूम रहे हैं और रिशु और मैं यहाँ पे थोड़ा बैटिंग बॉलिंग खेलेंगे, है ना बुब्बू? मजा आ रहा है। चलो क्या खेलें बोलो, यहाँ पे अच्छा लग रहा है रिशु, है ना? चलो रिशु को थोड़ा बाहर लेके गए तो मैं थोड़ा बाल धोई। सुबह तो मतलब इतना समय भी नहीं होता कि बाल धो लूँ और आदत भी नहीं है, तो रिशु मुझे बाल धोने नहीं दे रहा था, इसलिए मम्मा उसको बाहर लेके गए कि तू धो ले जल्दी से। तो मैं जल्दी जल्दी से बाल जैसे तैसे कर भाई धो ली। बहुत दिन हो गए थे, बाल धो ही नहीं पा रही थी, सर्दी थी, फिर उसके बाद रिशु की तबीयत ख़राब और सुबह बिल्कुल भी आदत नहीं है कि बाल धो लूँ, इतनी हिम्मत तो है ही नहीं मेरे में। आज लंच पे ये प्रॉन बनाऊंगी, मसाले वाले प्रॉन, और इसको सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके हम खाएंगे। और उसके लिए मसाले प्रिपेयर कर रही हूँ, सारे जो सूखे मसाले ये सबको भी पीस लूंगी, गरम मसाले नहीं डालूंगी। तो अखा डाल रही हूँ, ये जीरा डाल रही हूँ, मिर्ची दो सूखी मिर्ची और ये दो इलायची छोटी इलायची और तीन के आसपास लौंग और इधर ब्लैक पेपर और ये है क्या सिनेमन, मुझे ना दो तीन का मतलब हिंदी में झटपट से याद नहीं आता तो मैं इंग्लिश में ही बोल लेती हूँ, ईजी हो जाता है। और ये रिशु का दालमा है, इस लौकी वाले दालमा और पके हुए चावल इधर लगाए हैं, तो ये कम से कम 10-15 दिन लगेगा इसको होने में। और इधर कढ़ाई लगा दी है, तो अभी झट से बना लेते हैं प्रॉन करी। तो इसलिए मैं आधा ही प्याज मिक्सी में डाल रही हूँ, आधा ही ऐसे तेल में डालूंगी पहले। तो रघु भैया वहाँ पे लहसुन अदरक का निकाल के दे रहे हैं, तो वो करने के बाद फिर पीस लूंगी। ब्राउन हो गया तो अभी मैं ऐड कर लूंगी टमाटर, अच्छे से गल गया है। अभी मैं ऐड कर लूँगी जो ये जो मसाले, मैंने जितने मसाले ज़रूरत थी उतना मसाला निकाला और उसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर, क्योंकि जीरा मैंने अखा ही ऐसे पीस लिया है तो जीरा का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है। और इसमें इतना जितना करी में नमक चाहिए उतना करी मैंने पहले से ऐड करके रखी हूँ, तो अभी नमक ऐड नहीं करूँगी, लास्ट में टेस्ट करके नमक अगर चाहिए तो डालूँगी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी मसाले जाएंगे, सब फ्लेम को करेंगे स्लो। पापा बुला रहे हैं, सुन के आती हूँ क्या है। कुछ नहीं होने वाला है, क्या है तुम बड़े हो? अरे तुम बड़ा है, आइसक्रीम छोटा खाओ, इतना खाने से पेट दुखेगा। पेट तो दुख रहा था तुमका तुम्हारा, ठीक है ना? खाओ, इतना खाओ, ठीक होगा तो रात को फिर मंगाएगा, ठीक है? तुम इधर बैठो, अभी आ लाके देता हूँ। प्रॉन करी बनाने वाली थी लेकिन क्या फ्रीज में मुझे इतना नारियल मिला,
तो ग्रेटेड नारियल मिला तो मैं इसी को पीस के अभी मसाले में दे दूंगी। जल्दी जल्दी मसाला हो गया है तो इसको पीस लेती हूँ, पीस के अभी मसाले में दे दूंगी। तिल अपने पीस लिया तो इसको मैं छन लूंगी, सिर्फ उसका क्रीम डालूंगी इसको छन के। नारियल को पीस के उसको मैंने अच्छे से छन लिया है और मसाले भी इधर रेडी हो गया है। अभी ये नारियल जूस मैंने ऐड कर लिया, इसको स्लो फ्लेम में अभी कुक करना है नहीं तो वो दूध फट जाएगा। तो अभी मैं ऐड कर लूँगी ये आलू, पहले आलू को ऐड करूँगी, फिर आलू अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद ही मैं प्रॉन को ऐड करके और जितना मैं मुझे हमको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से ग्रेवी रखूँगी। हमारी आलू अच्छी तरह से कुक हो गई है तो रिशु का भी अच्छे से हो गया है, ये तड़का हो गया है। अभी मैं ऐड कर लूँगी प्रॉन, प्रॉन को ऐड करके कम से कम 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ही थोड़े कम आंच में उसको पकाऊँगी और उसके बाद थोड़ा जब लटपट हो जाएगा अच्छे से मसाले में तो मैं उसमें गर्म पानी ऐड कर लूँगी। जितना हमको रसा चाहिए उसी हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। तो ये हो गया प्रॉन करी, इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है गर्म पानी, तो इसको उबाल के लिए रख दूँगी, छोड़ दूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए और ये करी रेडी हो जाएगा। खाना खा के बाहर गए हैं, उनका कुछ मीटिंग है तो मैं अभी खाना खा रही हूँ, फिर तो उसके बाद मम्मी खाएंगी। जो फ्राइड छोटी वाली फीस है ना, इसमें मैंने प्याज डाला है, थोड़ी सी जीरा और भुनी हुई जीरा और मिर्ची का पाउडर और थोड़े से चाट मसाला, ऐसे चटपटा बना दिया है। तो इसमें अगर सरसों का तेल भी थोड़ा डालती तो भी अच्छा रहे, हाँ नहीं थी डालती तो अच्छा होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो क्या, वो जो सरसों का तेल है ना बहुत स्मेल है, मतलब बहुत हार्ड है उसका स्मेल, तो इसलिए मैं नहीं डाली। शांति में बैठे खाने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब कितने दिनों के बाद ना अभी शांति में बैठे खाते हैं। नहीं तो वहाँ पे तो सिर्फ रात के टाइम पे शैलिस पकड़ते थे, मैं खाती थी फिर मैं पकड़ती हूँ शैलिस, कभी कभी दोनों होते ही मतलब होकर भी शांति से नहीं खा पाते थे। देखे कही ना येलो मामा आनदब रिशु को लेके पार्क आए हैं। रिशु घर पे खाना नहीं खाया था तो मैं उसका सूजी लेके आ गई थी, तो इधर रिशु खेला कम से कम 20 मिनट हो गए वो खेल रहा था, फिर उसको समझा समझा के लेके आई गाड़ी में कि खाना खा के जाए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा रिशु। फिर इधर आके बहुत कोशिश के बाद रिशु समझा और आके खा रहा है, अब भी अच्छा बच्चा है उस टाइम पे अच्छा। और रिशु ना वो झूले में किसी को भी छोड़ नहीं रहा है ऐसे, तो वो एक ही झूले में रिशु आते ही वही एक झूले में बैठ जाता है फिर खत्म, बाकी सब जितना मुझे इतना खराब लगता है क्योंकि सब बच्चे आके खड़े होते हैं और रिशु बिल्कुल नहीं उतरता, जितना भी समझाऊं बहुत ज्यादा खराब लगता है रिशु। लेकिन सुने तो ए खा लो जल्दी पानी पियो लालची बापा लो स्टाइल लालची। खाके अभी ऊपर आए, आज खाने में हमने रिशु की वजह से ना सब चुपचाप ऐसे बोलना पड़ रहा है, पता नहीं अभी सुन भी रहा होगा वो, सुन रहे हो तुम ठीक है, तो हम नहीं बोलेंगे। तो ये घर घर के जैसे नहीं है, कचरे के जैसे सारे कॉर्नर में कुछ ना कुछ है। ये रूम को सजा मतलब थोड़ा सा समेटने के लिए भी थोड़ा सा भी समय नहीं हो रहा है मुझे, कि रिशु के पीछे 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 दिन भर मतलब नीचे इतना काम रहता है ना, मतलब सिर्फ रिशु के पीछे, नहीं तो खाना बना कोई एक को रिशु के पीछे तो होना ही पड़ेगा, इसे रिशु इज फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसके बाद बाकी का काम ऐसे। फिर हम पार गए उसके बाद, हाँ चलो अभी प्रायोरिटी आ गई, प्रायोरिटी कॉल आ गई, तो हम प्रायोरिटी कॉल को पहले अटेंड करेंगे उसके बाद हम बाइक बोलेंगे। का अभी प्रायोरिटी कॉल हमने मेंटेन कर ली, हमने अटेंड कर ली, क्या बोलेंगे मेंटेन अटेंड कुछ भी,
तो ऋषु का प्रायोरिटिकल खत्म हुआ और इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। वो हो गया है अपने काम पे बिजी, सुपर बिजी है। तो ये ब्लॉग को खत्म करूँगी, फिर बाकी ये सब रूम को थोड़ा क्लीन करूँ। क्लीन अभी कम से कम 10 मिनट वो देगा मुझे कि मम्मा तू अपना काम कर ले, ऐसे तो बोलेगा नहीं, लेकिन आई नो 10 मिनट है मेरे पास। तो ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, हमेशा कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए। बोलो ठीक है, मुझे पता है।